अभी जो ना मेरे सामने देख रहे हो आप जावा 42 एफ जे, ये जो इसका एक नया मॉडल जो है कंपनी ने लॉन्च किया, जिसके अंदर नया इंजन है, सब कुछ इसके अंदर जो नया कर दिया गया है। इसके अंदर अलॉय भी नए हैं, ठीक है, उसके बाद मीटर भी नया है, लाइटिंग सेटअप सब कुछ जो है कम्प्लीटली कंपनी ने चेंज कर दिया। यहाँ पे जो आप की देख सकते हो, सबसे पहले इसकी ये बेसिक सी की आपको मिलेगी, जावा का लोगो यहाँ पे है। अभी जो की मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे की वगैरह ऑन करता हूँ ना, तो आप लोग देखोगे फ्रंट में जो कम्प्लीट LED हेडलैम्प वगैरह आपको मिलता है, 42 का यहाँ पे लोगो आपको मिल जाएगा, उसी के साथ कंप्लीट LED रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे है, LED इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको जो मैं ऑन करके बता देता हूँ, यहाँ पे अपने को हैजार्ड का भी जो है ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो कि पहले कवर आते थे, अब जो है कवर्ड नहीं है, एंड उसकी वजह से जो है ना एक नया लुक भी जो है बाइक को मिल गया। उसके बाद फ्रंट में जो 100 सेक्शन का ये ट्यूबलेस टायर आपको मिलेगा, ड्यूअल चैनल ABS है, सीएट के टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बाइब्री कंपनी के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे है। उसके बाद में जब इंजन पे आप आते हो तो एक नया इंजन आपको मिल जाता है, 350cc का जो है नया इंजन है, लाइक बोलने को 350 है बट एग्जैक्टली जो है 334cc का ये Alpha 2 जो है इंजन यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये जो इंजन है ना अराउंड 29 PS की पावर, 29 Nm के करीब जो है टॉर्क देता है, पहले से जो है ना कहीं बड़ी है पावर भी और टॉर्क भी। उसके बाद यहाँ पे 12 लीटर का आपको टैंक मिल जाएगा, ये कंप्लीट नया डिज़ाइन, नया टैंक एंड सब कुछ जो है आपको रिफ्रेशमेंट यहाँ पे देखने मिलेगी। यहाँ पे जावा का लोगो है नया, और यहाँ आपकी की वगैरह इंसर्ट हो जाती है, ये कंप्लीट इसका रेडिएटर वगैरह है, ओके। उसके बाद ये जो इंजन है ना, ये 6-speed गेयरबॉक्स के साथ में आता है, और जो माइलेज वगैरह है वो भी आपको लगभग 30-35 के आसपास मिल जाएगी। फ्रंट फुटरेस्ट, रियर ब्रेकिंग, रियर फुटरेस्ट, रियर में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन है। उसके बाद जो आप रियर में देखते हो तो चौड़ा टायर आपको मिल जाएगा, अराउंड 140 सेक्शन के आसपास का जो है चौड़ा टायर आपको मिलेगा, ये साइज़ देख सकते हो। सीएट का अगेन पीछे टायर है, और स्पोक व्हील्स यहाँ पे नहीं है, अलॉय व्हील्स यहाँ पे दिए गए, बट मल्टी स्पोक आप लाइक जो है बोल सकते हो इसको, और अगेन ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे। रियर में भी जो है बाइब्री के ही ब्रेक कैलिपर्स हैं, ड्यूअल चैनल ABS अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो। एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुनाऊंगा, उससे पहले आप लोग इसकी सीट वगैरह देख लो, यहाँ पे बढ़िया कंफर्टेबल सीट आपको मिल जाएगी, सिंगल सीट, ग्रैब रेल साइड में आपको मिल जाती है, साइड पैनल पे 42 की बेजिंग वगैरह है। रियर में जो आप देखते हो तो यहाँ पे LED लाइट है, LED इंडिकेटर्स हैं, एंड चौड़ा टायर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगेन पीछे जावा की बेजिंग वगैरह है। दो एग्जॉस्ट है, एक इधर की साइड में है और एक इधर की साइड में, जिसकी वजह से जावा सबसे ज़्यादा हिट हुई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे साइड स्टैंड आपको मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड वगैरह यहाँ पे नहीं है, अगेन यहाँ पे ओरिजिनल जावा 1922-29 ये सब बेजिंग वगैरह आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हो तो फ्यूल कैप क्रोम में आपको देखने मिलेगी, और यहाँ पे 42 की लाइक बेजिंग वगैरह, स्टिकरिंग वगैरह ये सब मिल जाएगी। साइड मिरर्स आप लोग देख लो, यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगी, असिस्टेंट स्लीपर क्लच। उसके बाद में हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट यहाँ पे दी गई है, ये सारे कंट्रोल्स वगैरह इसके कंसोल के। उसके बाद इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, उसके यहाँ जो है जो साउंड आपको सुना देता हूँ, एंड स्टार्ट करने के लिए जो है आपको मे बी क्लच जो है प्रेस करना पड़ता है। तो अभी जो साउंड आप लोग सुना इसकी, तो कुछ ऐसी जो है ना एग्जॉस्ट साउंड है। अभी इसमें स्टेट हैंडल बार आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग मीटर में देखो, मीटर में जो है ना मीटर लाइक वही मिलेगा जो इनके डिजिटल पहले आपने देखे थे, तो वही सेम मीटर इसके ऊपर RPM मीटर यहाँ पे मिल जाएगा, स्पीड मीटर यहाँ पे, ओडोमीटर यहाँ पे, साइड इंडिकेटर्स वगैरह आपको सराउंडिंग मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ गियर इंडिकेटर वगैरह, एंड यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो बटन्स हैं ना, ये दिखाता हूँ, एम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, उसके बाद अगेन ये ट्रिप के लिए ही है, सेट से जो आप लोग रीसेट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी जो है बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे फ्यूल मीटर वगैरह इसका है, ये सारे फीचर्स वगैरह जो ना आपको बाइक में मिलेंगे। अभी जो प्राइस वगैरह के बारे में बताता हूँ, 1,99,000 से स्टार्ट होके एंड अराउंड 2,20,000 तक जो इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है, तो आप लोगों को जो है ना ये बाइक अब जो है शोरूम से देखने मिल जाएगी जल्दी, तो आप लोग इसको बुक वगैरह करा सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए जी, ये तो कुछ आज की वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।